चलो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। 10 सेकेंड्स और क्या हम रिकॉर्ड कर पाएंगे टाइमली? लेट्स सी। 1 सेकेंड और ये हमारा काउंट स्टार्ट। रिफ्रेश मार इसको। लेट्स एंटर द कॉन्टेस्ट। पहला क्वेश्चन टफ हो सकता है। लेट्स सी। गेम विद इन टीचर पहला क्वेश्चन का नाम। खुल जाए सेम क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। विनय एंड वोरा आर प्लेइंग अ गेम। विनय और वोरा कोई है वो गेम खेल रहे हैं। प्लेयर्स आर गिविंग एन इंटीजर एन। प्लेयर्स जो है विनय वोरा खेल रहे हैं। प्लेयर्स है जिसे दिया गया है एक इंटीजर एन। ऑन देयर टर्न द प्लेयर कैन ऐड 1 टू द करेंट इंटीजर और सब्ट्रैक्ट 1। यानी उसको एक नंबर दिया गया है प्लेयर्स को, उनको ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। द प्लेयर टेक टर्न्स। विनय स्टार्ट। विनय जो है स्टार्ट करेगा ठीक है। आफ्टर इफ आफ्टर विनय मूव्स द इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3 देन ही विन्स। इफ 10 मूव्स हैव पास देन विनय इफ 10 मूव्स पास देन विनय पास एंड विनय हैज़ नॉट वन। विनय अभी तक जीता नहीं। हैज़ नॉट वन देन वुना विन। ओके राइट अ प्रोग्राम टू बेस्ड ऑन दिस इंटीजर डिटरमाइंस हु विल विन इफ बोथ द प्लेयर प्ले ऑप्टिमली। ओके फर्स्ट और सेकेंड ये आंसर प्रिंट करना है ठीक है। एक दिया तो पहले विन चलेगा फिर वो ना चलेगा फिर विन चलेगा फिर वो ना चलेगा। ओके ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है। ओके फर्स्ट सेकेंड ऐसे तो आंसर 10 तो होगा नहीं। दूसरा टेस्ट के ऐसा क्यों बना? क्योंकि 3 के बाद तो कोई भी नंबर को 3 बार सब्ट्रैक्ट कर तो आंसर आ ही जाएगा है ना है ना है ना। हाँ तो 10 तो होना ही नहीं चाहिए। 10 शायद मेरे ख्याल से इन्होंने ऐसे ही बना लिया है। लेट्स ट्राई कोड हैशटैग क्यूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एसटीडी इंट मेन एनटी सी एन टी वाइल टी क्यूली घटती जा रही है। अब हमको दिया जाएगा एन 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 इंट एन सी एन ठीक है। अगर एन की वैल्यू 3 बढ़ाओ या 3 घटाओ ऐसा कर सकते हैं हम। अगर एन की वैल्यू इफ कंडीशन से ही हो जाएगा मेरे ख्याल से। एन की वैल्यू 1000 से ज़्यादा बढ़िया है भी नहीं ठीक है। इफ एन प्लस वन एक कंडीशन लगाते हैं। इफ हमें क्वेश्चन में यही बोला गया है कि देखो मेन तो यही टास्क है। इफ आफ्टर विनय मूव्स द इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3 देन ही विन्स ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं वन वन में पहला वाला विनय जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि वन में एक ऐड किया 2 ठीक है तो उसकी बारी आ गई। फिर उसने 2 और ऐड में एक ऐड किया 2 उसकी बारी आ गई। फिर उसने एक ऐड किया 3 3 तो मॉडुलस होता है तो ये जीत जाएगा फर्स्ट वाला। एक्सप्लेन भी नहीं किया इन्होंने। 1000 है जैसे ये तो मॉडुलस है 3 ये तो है तो सेकंड क्यों आया इसका आंसर है 10 सेकंड आया। ओके इफ एंड मॉडुलस 3 इक्वल टू 0 तो मेरे ख्याल से सी आउट करना चाहिए सेकंड एल्स इफ एन मतलब उस पर आया तो दूसरा जीत जाएगा। अगर एन की वैल्यू एन प्लस वन आया एन प्लस में वन इफ एल्स इफ एन प्लस वन
मॉडुलस 3 इक्वल टू 0 हुआ, तो इफ एन प्लस वन मॉडुलस 3 इक्वल टू 0 हुआ तो सी आउट कर दो, फर्स्ट फर्स्ट का कैपिटल IRST फर्स्ट इंडियल एंडल else if n प्लस टू n प्लस टू तो ये सेकेंड आएगा इसका आंसर, n प्लस टू मॉडुलस 3 इक्वल टू 0 तो आ जाएगा सी आउट कर दो, सी आउट कर दो फर्स्ट नहीं सेकेंड, सी आउट कर दो सेकेंड ई एन डी एल एंडल माइनस भी कर सकते हैं ठीक है, एक अगर उसमें आया तो सेकेंड, एक प्लस किया तो फर्स्ट ठीक है, एक माइनस किया तो फर्स्ट और दो प्लस किया तो सेकेंड और थर्ड आया तो मतलब वही नंबर है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं और एन माइनस ए वन प्लस करेगा माइनस मॉडुलस 3 इक्वल टू 0 सेम इसी की तरह एन माइनस टू हो जाएगा कॉपी। और एन प्लस एन माइनस टू तो सेकेंड फर्स्ट ये मेरे ख्याल से बनना चाहिए एंडल के साथ, लेट्स चेक कॉपी रन दिस कोड। अरे स्टॉप, हमने ये वाला नहीं किया, एंटर कंट्रोल वी। फर्स्ट सेकंड फर्स्ट फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, तो मेरे ख्याल से एक बार सबमिट करके देखते हैं, मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए, लेकिन अगर एन की वैल्यू पहला वाला ही है कंट्रोल वी सबमिट, लेट्स सबमिट दिस कोड एन क्यू एन क्यू में होना चाहिए मेरे को लगा था, क्योंकि हम बहुत जल्दी कर रहे हैं तो इसलिए गड़बड़ आ सकती है। लेट्स सी कमेंट ट्रेटिंग में मेरी क्या गलती हो रही है। अभी भी एनक्यू मतलब बहुत सारे लोगों ने सबमिट कर दिया है, एनक्यू में गया है एक क्वेश्चन, ये 10 का क्या रोल होगा, आई डोंट नो, अभी भी घूम रहे तक हम इस पर देख लेते हैं कुछ एच केस, इसके सारे टेस्ट केस पास हो गए। सेकंड में एस कैपिटल नहीं लगाया मैंने, कुछ होगा तो नहीं, रॉन्ग ऑन फर्स्ट टेस्ट के शायद, तो मैं चलूंगा इसमें सेकंड का एस कैपिटल कर दिया है ना। ओ एन क्यू अभी भी है एन क्यू, अरे हो जा एन क्यू अभी भी, सबमिट सबमिट सबमिट, बहुत जल्दी कर दिया क्या, कितने लोगों ने कर लिया भाई हमारा टेस्ट केस, बताओ गलत है या सही। अरे पता नहीं भाई, 5 मिनट तो हो गए क्यू में खड़े खड़े, गलत है तो बता दो, हम थोड़ा अलग सोचे फिर। पता नहीं,
एक बात तो बता भाई, रिफ्रेश वंस अगेन। एनक्यू में 3 मिनट खड़े होने के बाद हमको लगा कि आंसर गलत होना चाहिए। अरे ऊप्स, इज ब्रोकन, ट्राई अगेन। इंटरनेट कनेक्शन को बोल रहा गलत। ओ एनक्यू यहाँ भी लिखा रहा है एनक्यू, इन भैया ने झूठ बोल दिया हमको। इंटरनेट कनेक्शन, जा सिम सिम, कोई नहीं, हम दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक आठ हजार लोगों ने कर दिया इसको, हो गया। माय कोड इज सक्सेसफुली एक्सेप्टेड। उत्तरी ओके तो एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे किया मैंने इस क्वेश्चन को। देखो एक बार एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन करना कैसे है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विनय एंड वोरा आर प्लेइंग अ गेम। ठीक है, विनय एंड वोरा आर प्लेइंग अ गेम। प्लेयर्स आर गिवन एन इंटीजर एन। देखो दो इंसान खेलने के लिए तैयार है, ठीक है, और उनको एक नंबर दिया जाएगा रैंडमली, कोई सा भी नंबर। ठीक है, द प्लेयर कैन ऐड वन नंबर, अपने उस नंबर में या तो एक नंबर ऐड करना है या तो एक सब्ट्रैक्ट करना है। आपके पास टास्क यही है, ठीक है, आप सिर्फ या तो ऐड कर सकते हो या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, पहले जो है वो विनय नाम का बच्चा है वो स्टार्ट करेगा गेम को। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन जीतेगा। अगर विनय ने नंबर प्रेस कर दिया, यानी ऐड कर दिया, और उसके बाद नंबर किसी को पास कर रहा है, अगर वो डिविजिबल है तो विनय जीत जाएगा, ऐसा गेम है। ठीक है, तो इस अगर ये फालतू का क्वेश्चन है, मतलब ये फालतू बस आपको डराने के लिए है, अगर 10 मूव पास होने के बाद भी अगर कोई नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा है तो विनय जीत जाएगा। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, कोई भी नंबर को अगर आप एक दो ऐड करते हो तो तीसरा नंबर तो डिविजिबल होता ही है 3 से, तो इसलिए हमारा फालतू टेस्ट केस था। ठीक है, और इसके बाद बहुत सिंपल और ईजी है, इसका मैंने कोड कैसे लिखा है, लेट्स सी माई कोड। आपको मैंने वैसे कोड करके दिखा दिया है। कोड में मैंने क्या किया, सबसे पहले अगर एन मेरा डिविजिबल है तो सेकंड जीत जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास ऐड करने के लिए बचा ही नंबर। ठीक है, अगर एक ऐड करने पे अगर डिविजिबल हो रहा है, यानी फर्स्ट का गेम है, नहीं तो सेकंड जीत जाएगा। दिस इज सिंपल एंड इजी कोड, आई होप सो यू हैव डन दिस। वी आर गोइंग टू सॉल्व सेकंड वन, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ।